फ्रेंड्स, न्यू एरा में नूतन कार्बन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ साबूत मसूर की दाल। ये हमने एक कटोरी, छोटी कटोरी से एक कटोरी हमने ये मसूर की दाल लिया है, साबूत मसूर की दाल है ये। और इसमें हमने धनिया पत्ता काट के रख दिए हैं, धोकर के दाल को रख दिए हैं। ये गैस पे मैंने कुकर चढ़ाया है, कुकर गर्म है। इसमें मैं डालूंगी 1 स्पून रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, जो आप ऑयल खाते हैं वो ऑयल डाल दीजिए। और इसमें मैं डालूंगी 1/2 स्पून जीरा। इसमें मैं डालूंगी ये 1/2 स्पून जीरा। इसमें डालूंगी मैं तेजपत्ता, 1 हरी मिर्ची। आप कितना तीखा खाते हैं इस अनुसार से डाल दीजिए। और ये 1 छोटा सा प्याज कट करके बाजू में रखा है। ये 2 कली लहसुन और एकदम थोड़ा सा अदरक मैंने कट करके रखा है, इसको भी डाल दूंगी। डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, कितना डाल है मेरा उस अनुसार से नमक डाल देंगे ताकि प्याज में पानी छोड़ दे। नमक डाल देने से जलेगा नहीं। गैस ज्यादा गर्म, कुकर ज्यादा गर्म हो गया था इसलिए मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। ऑफ में ही इतना फ्राई हो गया क्योंकि ज्यादा गर्म था। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी 1 स्पून, 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून सब्जी मसाला जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। और इसमें हमने 1/2 टमाटर कट किया है, 1 छोटा सा मूली गाजर और 1 छोटा सा मूली हमने छील के धोके कट कर लिया है, इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से चला देंगे। थोड़ा सा चलाया, 1 सेकेंड चलिए। गैस सिम करके बनाइएगा। अभी मेरा कुकर ज्यादा गर्म हो गया था इसलिए मैं गैस बंद कर दी हूँ। अब मैं इसमें लाइटर मार दूंगी, क्योंकि मैं बंद कर चुकी थी गैस को। इसमें हम दाल डाल देंगे। दाल डाल के 1 सेकेंड के लिए मिला देंगे, हर कुछ को मिक्स कर देंगे। इसमें हमने इसमें 2 कटोरी पानी, 2 आदमी है, 2 कटोरी पानी डालेंगे। इसमें पानी डाल देंगे, 1/2 कप। देखिए अभी कितना सुंदर कलर दिख रहा है इसका, बनने के बाद कितना अच्छा लगेगा। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, ढक्कन इसमें हम लगा देंगे। इसमें हमने ढक्कन लगा दी। ढक्कन लगाने के बाद मैं इसे 1 सीटी लगने दूंगी, उसके बाद मैं गैस सिम कर दूंगी, 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये दाल कैसी बनी है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा तो ही मैं अपने अनुभव आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी कुकर ठंडी हो गई है। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ कि दाल मेरी कैसी बनी है। ये देखिए दाल अच्छे से बन गई है। मैं थोड़ा सा इसको मैश कर दूंगी कि टमाटर, गाजर, मूली सब इसमें मैश हो जाए।
अच्छे से ये देखिए, ये देखिए दाल कितनी अच्छे से पक गई है, बिल्कुल मैश हो रही है, बिल्कुल मैश हो गई है, अच्छे से पक गई है। हल्का सा मैं मैश कर दूँगा। देखिए हमने बनाया, देखिए दाल कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं 1 स्पून घी डालूंगी। ये वही घी है जो कर्ड राइस के दिन मैंने आपको बना करके दिखाया था। अगर आप घी नहीं पसंद करते हैं तो नहीं डालिएगा। देखिए 1/2 चम्मच मैंने ये घी डाला, ये ताज़ा घी है तो गर्म करने की हमको ज़रूरत नहीं है। आप लोग बनाइए, खाइए, टेस्ट करके बताइए, कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये दाल कैसी लगी।